हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं CR.8.2 के बारे में। पोकोफोन डिवाइस के लिए ऑफिशियली CR.8 का जो 8.2 का वर्जन है अवेलेबल हो गया है। एंड्रॉयड 12 के साथ एजोरा में अवेलेबल हुआ है। यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो स्टोरेज है ऐड किया गया है। एंड देख पाओगे यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 12 का जो स्टोरेज है ऐड किया गया है। CR.8 का जो वर्जन है 8.2 है। 5 February 2022 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 4.9 जो स्टॉक कर्नल है यहाँ पर इस बिल्ड के ऊपर यूज किया गया है। तो यहाँ पर CR.8 का 8.2 का ऑफिशियल बिल्ड है पोकेफोन डिवाइस के लिए। एंड इस वीडियो के दौरान जो है इसी रॉम का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको CR.8 का 8.2 का जो ऑफिशियल बिल्ड है अपने पोकेफोन डिवाइस के लिए डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके पोकेफोन डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर CR.8.2 के साथ जो है गेमिंग मोड को फिक्स किया गया है। गेमिंग मोड के साथ कुछ इश्यू देखने को मिल रहा था, उसे फिक्स किया गया है इस बिल्ड के साथ। प्लस यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट जो कैमरा गो है और जो जीकैम गो है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट जो कैमरा गो एप्लीकेशन से इसे ऐड किया गया है। इस एप्लीकेशन के साथ जो है आप वीडियो एंड पोर्ट्रेट मोड प्लस जो है फोटो क्लिक कर पाओगे, काफी बढ़िया बात है। तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर कैमरा गो एप्लीकेशन जो है और जीकैम गो जो एप्लीकेशन से इसे ऐड किया गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डायलर एप्लीकेशन के ऊपर जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर CR.8 के साथ जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है डायलर एप्लीकेशन के ऊपर ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो क्लॉक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट क्लॉक एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के साथ जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है मेटेरियल यू जो है काम करेगा। प्लस यहाँ पर जो है कैलेंडर ऐप के साथ जो है जो मॉडर्न थीमिंग का ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो कैलेंडर एप्लीकेशन है इसके साथ भी जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को हाइड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर जो है सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो एप्लीकेशन का हाइड करने का ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो आप यहाँ से जो है कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो है फेस अनलॉक प्लस जो है आप फिंगरप्रिंट को यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन हाइड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। लॉक स्क्रीन के साथ जो है क्विक सेटिंग्स को अगर आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है पावर मेनू के ऊपर, तो यहाँ पर पावर मेनू के ऊपर जो एरोप्लेन मोड है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है पावर मेनू के साथ जो है एरोप्लेन मोड का ऑप्शन है। प्लस जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो अलग अलग जो पावर मेनू के साथ जो है कस्टमाइजेशन करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ना उससे बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है सर्च बार के ऊपर कौन कौन से आइकन को आप दिखाना चाहते हो उसके लिए इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। अलग अलग क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक इंडिकेटर को ऐड किया गया है। सर्च बार के ऊपर जो है ट्रैफिक इंडिकेटर को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ओल्ड स्टाइल मोबाइल, यहाँ पर ओल्ड स्टाइल सिग्नल आइकन को ऐड किया गया है। डेटा डिसेबल को ऐड किया गया है। 4G आइकन को देख सकते हो LTE आइकन की जगह। और जो है वॉल्टी एंड वो वाईफाई का जो है अलग अलग आइकन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है वॉल्टी आइकन एंड वो वाईफाई का जो आइकन है आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर डिस्प्ले ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर डिस्प्ले ऐड किया गया है। तो यहाँ पर माइक कैमरा प्लस लोकेशन का जो प्राइवेसी इंडिकेटर है आप चाहो तो यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज वन चार्जिंग का ऑप्शन है, तो फोन को चार्ज करने के टाइम जो है बैटरी परसेंटेज को आप चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हो। बैटरी वायर का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर गेस्ट के ऊपर जो है टैप टू स्लीप का ऑप्शन है। सिंपली ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर सर्च बार में डबल टैप करके आपका जो फोन है स्लीप मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद जो है सिंपली सर्च बार के साथ जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बेल्ट के ऊपर। क्विक पुल डाउन एंड स्मार्ट पुल डाउन का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर जो है इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है क्विक पुल डाउन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है स्मार्ट पुल डाउन एंड क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन से काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पर क्विक पुल डाउन में से जो है राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे ऑटोमेटिकली जो है नोटिफिकेशन ओपन होगा, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर क्विक पुल डाउन एंड स्मार्ट पुल डाउन का जो ऑप्शन से ये भी काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अलग अलग बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी लोकेशन को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स के ऊपर प्लस जो है यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जो है आप बैटरी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, बैटरी एस्टिमेट को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर है इसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है आप यहाँ से बंद कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है हाइट क्विक सेटिंग्स ऑन लॉक स्क्रीन इस ऑप्शन को ऐड किया गया है 8.2 के बिल्ड के ऊपर।
एंड यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कवर आर्ट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। बैटरी इन्फो का ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो स्मॉल क्लॉक का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो लॉक स्क्रीन है कुछ इस तरह से आपको इस तरह से जो है क्लॉक देने को मिलेगा। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो जो लॉक स्क्रीन को जो क्लॉक है कुछ इस तरह से आपको देने को मिलता है, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है एंड ये सभी जो है यहाँ पर ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट इरर्ड वाइब्रेशन, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट इरर्ड जो वाइब्रेशन होता है सब चाहते हैं बंद कर सकते हो। यहाँ पर जो है पावर मेन के साथ जो है कॉल को आप जो है बंद कर सकते हो। यहाँ पर जो है टॉर्च लाइट को इनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का ऑप्शन है, सिंपली जो है यहाँ पर फोन को ऑफ करने के बाद जो है पावर मेन को लॉन्ग प्रेस करके जो है आपके फोन के ऊपर जो फ्लैश लाइट है उसे आप इनेबल कर पाओगे। इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को इनेबल करना चाहते हो ये जो ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का जो ऑप्शन है इसे यूज करना। एंड वॉल्यूम किस के साथ जो है फोन को वेकअप कर पाओगे, यहाँ पर वेकअप डिवाइस का ऑप्शन है, कॉल को आंसर कर सकते हो। एंड यहाँ पर कंट्रोल प्लेबैक का ऑप्शन है, सिंपली जो है वॉल्यूम की इसके साथ जो है गाना को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पर यूआई के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, म्यूजिक थिकर का ऑप्शन है, एज लाइटिंग को ऐड किया गया है। एज लाइटिंग के ऊपर ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन से आप चाहते हो ऐसे बंद कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से जो है जो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन काम करेगा। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो है कुछ इस तरह से आपको देने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ एनिमेशन। एंड यहाँ पर जो मॉडर्न कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। कस्टम कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है कस्टम कलर को ऐड कर सकते हो। प्लस एक्यूरेट रेट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 के साथ जो है मॉडर्न कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है ये भी काम करेगा। एंड यहाँ पर जो नेविगेशन बार का स्टाइल है ऐड किया गया है। अलग अलग जो नेविगेशन बार है ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आसूस, मोटो, नेक्सस, वन प्लस, वन यूआई, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है अलग अलग आइकॉन बैक का ऑप्शन है, सिग्नल आइकॉन स्टाइल है, वाईफाई आइकॉन स्टाइल को ऐड किया गया है। अलग अलग जो आइकॉन शेप है इसे भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है काफी सारी जो है थीमिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर जो है वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। वॉल्यूम पैनल टाइम आउट का जो ऑप्शन है ये भी काम करेगा। इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है इनकॉल वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। यहाँ पर जो है ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन है, जो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो, ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। यहाँ पर जो एनहांस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो बैटरी बैकअप जो है काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर बैटरी यूजर्स के बारे में तो यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर जो है 5.5 आवर के आसपास और 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा। अगर आप गेम्स खेलोगे तो लगभग 4 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलेगा पोको F1 डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर। एंड थर्मल प्रोफाइल के ऊपर ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर काफी अच्छा बैटरी बैकअप देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है पावर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, प्लस इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। वाइब्रेशन हैप्टिक्स के ऊपर ये सभी ऑप्शन है। आपको जो है यहाँ पर रिंग टंग वाइब्रेशन पैटर्न का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। नाउ प्लेइंग का जो फीचर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर जो एम आई का साउंड एनालाइजर इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप प्लस अलग अलग जो प्रीसेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एम आई का जो साउंड एनालाइजर है ये भी काम करेगा। प्लस चार्जिंग साउंड को बंद करने के लिए इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो टच साउंड, स्क्रीन लॉकिंग साउंड कब चाहो तो ऐसे बंद कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। बट यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट को बंद करने के लिए कोई भी स्क्रीन शॉट का जो साउंड है उसे बंद करने के लिए कोई भी ऑप्शन को ऐड नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस वो भी काम करेगा। प्लस जो एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिम है ये भी काम करेगा। प्लस लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है अलाउ फेस अनलॉक ऑन लॉक स्क्रीन, तो इस रॉम के साथ जो है फेस अनलॉकिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कवर आर्ट का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आपके फोन के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली आपका जो फोन की स्क्रीन है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो डार्क थीम है ये भी काम करेगा, डार्क मोड के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर जो नाइट लाइट अगर फीचर की बात करें तो यहाँ पर जो है नाइट लाइट फीचर भी काम करेगा। प्लस जो शेड्यूल करने का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लाइव डिस्प्ले को ऐड किया गया है। डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड्रॉइड 12 के साथ जो है मॉडर्न का जो ऑप्शन से काम करेगा। थीम आइकन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस ऐप ग्रिड के ऊपर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारी जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी सर्विस के बारे में। तो यहाँ पर जो है डार्क थीम को ऐड किया गया है। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक्स के ऊपर रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन को ऐड किया गया है। ऑडियो एडजस्टमेंट के ऊपर ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है फेस अनलॉक एंड जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है अवेलेबल है, एंड ये जो बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इसको हमको फ्लैश करने के दौरान जो है सिंपली यहाँ पर डिटेल फ्लैश करना होगा। एंड अगर बात करें पर फेस अनलॉक के बारे में, तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक के काम करता है, फेस अनलॉक जो है काफी फास्ट है, और एक बार तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक काम करते हैं काफी बढ़िया है, काफी फास्ट है, तो यहाँ पर जो है फेस अनलॉक काम करता है। ना अगर बात करें अपने फिंगरप्रिंट के बारे में, तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी काम करता है, प्लस जो फेस अनलॉक है वो भी काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड जो फेस अनलॉक है यहाँ पर काम करता है। एंड यहाँ पर जो ऐप लॉकर का ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था, एलोकेशन भी काम कर जाएगा, नो इश्यू एट ऑल। एंड सिस्टम के ऊपर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, सिंपली जो है पावर बटन को डबल प्रेस करके जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। प्लस जो है यहाँ पर टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन एंड गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। वन हैंडेड मोड को ऐड किया गया है, सिंपली जो है एंड्रॉइड 12 के साथ कुछ इस तरह से आप स्वाइप डाउन करके नेविगेशन बार के ऊपर जो है स्वाइप डाउन करके वन हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो। प्लस जो वन हैंडेड मोड का शॉर्टकट है इसे भी ऐड किया गया है। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट इसे भी ऐड किया गया है, सिंपली आप जो है पावर बटन के साथ जो है असिस्टेंट को भी इनेबल कर पाओगे। ना दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ बेंच मार्किंग एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर जो है 3DMark के साथ 1974 का स्कोर है पोको फोन डिवाइस के ऊपर, Geekbench के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 502, मल्टी कोर के साथ 1605, Geekbench 5.4.4 के साथ, Android 12 के साथ। एंड यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है सिंगल कोर का काफी बढ़िया है, प्लस जो मल्टी कोर का स्कोर है एवरेज से काफी थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो है लगभग हमने 5 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट है यहाँ पर रन किया था, मैक्स गया है 183, एवरेज 135, मिनिमम है 113, यहाँ पर जो है 66% का सीपीयू थ्रोटल देने को मिला है। एंड यहाँ पर जो सेफ्टीनेट है विदाउट रूट विदाउट मैजिक्स कंपनी का, इसके लिए आपको अलग से रूट नहीं करना होगा, अलग से मैजिक्स को फ्लैश नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर सेफ्टीनेट जो है पास हो जाएगा। गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा, इस सॉन्ग के साथ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें पर कैमरा टेप के बारे में, तो यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है फुल का सपोर्ट है, यहाँ पर GCam काम करेगा, गूगल कैमरा को आपको बाय डिफॉल्ट देने को मिलेगा इस सॉन्ग के साथ। एंड यहाँ पर जो GCam 8.4 हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था, गूगल कैमरा 8.4 भी काम कर जाएगा उधर नहीं प्रॉब्लम, काफी बढ़िया बात है। पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, वीडियो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से यहाँ पर जो है GCam 8.4 के साथ काम करता है। तो अगर आप इस GCam को डाउनलोड करना चाहते हो, गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर GCam 8.4 भी काम कर जाएगा इस रॉम के साथ, तो डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो आपके पोको फोन डिवाइस के ऊपर। ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, बट यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है आपको काफी डिसेंट देने को मिलेगा, बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली जो रॉम है ट्राई करके देखो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाता है इस रॉम के साथ, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करेगा। तो डेफिनेटली इस रॉम को आप अपनी पोको फोन डिवाइस के ऊपर फ्लैश करके ट्राई करके देखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।